गाइस, आज की डेट में BTUP के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि BTUP का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कराया जाता है, लेकिन कोविड के समय में क्या हुआ था कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कराया गया था। तो गाइस, हाल ही में एक लेटेस्ट अपडेट आता है जो गाइस AKTU पब्लिक करता है। लेकिन गाइस, आपके जानकारी के लिए बता दें कि AKTU जो आपका यूनिवर्सिटी है ना, एकदम लाइक आपका BTUP की तरह है। जैसे AKTU काम करता है, उसी के हिसाब से BTUP भी काम करता है। तो ऐसे में गाइस, AKTU की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज़ आता है जहाँ पे गाइस बताया जा रहा है कि AKTU प्रायोगिक परीक्षाओं की होगी वीडियोग्राफी। एंड गाइस, यहाँ पे आपको मतलब कि इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि जो आपका AKTU यूनिवर्सिटी है, इनका कैरी ओवर का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो गाइस, आपको बता दें, अगर AKTU जो भी काम करता है, सेम BTUP भी ऐसा काम करता है, तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। जो गाइस मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ ना, ये एक न्यूज़ के रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। ये कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है और ये कोई लेटेस्ट में नहीं होने वाला है, लेकिन गाइस फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो सकता है। अब गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता जा रहा है इस न्यूज़ में, देखिए पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रविधि विश्वविद्यालय AKTU प्रशासन अब लिखित परीक्षाओं के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षाओं को भी वीडियोग्राफी ऑनलाइन मॉनिटरिंग कराएगा। वही फाइनल ईयर के छात्रों की बड़ी राहत देते हुए उनकी कैरी और परीक्षा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कराएगा। तो मतलब कि गाइस, यहाँ पे ये AKTU के लिए बताया जा रहा है, लेकिन गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि AKTU जो भी काम करता है, सेम BTUP ऐसा काम करता है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो आप इसे AKTU अगर मान रहे हैं तो आप वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा गाइस फ्यूचर में हो सकता है, आपका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस आप देख पाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन में कराया जाएगा, इससे परीक्षा का परिणाम जल्दी आएगा और छात्रों का साल नहीं खराब होगा। हालांकि इस प्रक्रिया के तहत IIT के तहत इन छात्रों का परिणाम एक ग्रेड कम किया जाएगा, मतलब कि आपका जो परिणाम है एक ग्रेड कम किया जाएगा। अब यहाँ पे गाइस, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि आखिर में ये रूल कब से लागू होगा। तो गाइस, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे है कि किंतु यह व्यवस्था इसलिए लागू की जा रही है कि एक छात्र बिना कैरी ओवर के अपना कोर्स पूरा कर रहा है और दूसरा कई बार कैरी ओवर देकर, यह व्यवस्था IIT में लागू है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था पर संबंध कॉलेजों से 5 जून तक फीडबैक लिया जाएगा और 7 जून को एकेडमिक काउंसलिंग में रखा जाएगा। प्रो पांडे ने बताया कि इस बार से प्रवेश पत्र के साथ विद्यार्थी के लिए घोषणा पत्र भी दिया जाएगा। तो ऐसे में गाइस, इस पर बात चल रही है, लेकिन इसको कंफर्म अभी नहीं किया गया है AKTU के लिए। लेकिन गाइस, हमें जहाँ तक लगता है कि फ्यूचर में आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ इस न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, जो AKTU के लिए है। लेकिन गाइस, ये रूल्स BTUP पे भी लागू हो सकता है। तो गाइस, हमारे पास जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है BTUP की तरफ से, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके रिगार्डिंग गाइस कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। और गाइस, अगर BTUP की तरफ से कोई लेटेस्ट नोटिस आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।